नमस्कार किसान भाइयों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्मर चॉइस यूट्यूब चैनल पर किसान भाइयों आज की इस वीडियो पर मैं आया हूं समृद्धि डेयरी फार्म जो कि बदनावर तहसील में और धार जिले में आता है किसान भाइयों आज हम सर से बात करेंगे संदीप जी आज हमारे साथ में हैं इनसे बात करेंगे कि सर सबसे पहले आपको डेयरी फार्म करते हुए कितना टाइम हो चुका है तीन साल हो चुके हैं चौथा साल रनिंग है अभी अच्छा सर जी मेरा नाम संदीप पाटीदार जी जी तो सर को चार साल हो चुके हैं डेयरी फार्मिंग करते करते तो सर इसके बाद भी आपकी गायों की हेल्थ नहीं बन पा रही उसके बारे में आज आप हमें बताइए थोड़े डिटेल में और सबसे पहले मैं शुरुआत में बात करूंगा सर कब से आपने अपना फार्म चालू किया और क्यों शुरू किया 2017 में चालू किया है और उस समय पे छः गाय से स्टार्ट किया था जी उसके बाद दो में बारह गाय फिर लेके आए थे जी धीरे धीरे करके इतनी बीस गाय क्वान्टिटी बढ़ा ली और अब जाके बच्चा बच्ची मिला के पैंतालीस जानवर के आसपास पास हो पैतालीस तक आपके पास हाँ, बचिया है जी। बच्चे भी है उसमें जी। और कुछ गाय भी है। जी जी और उसके बाद मेन तो इश्यू यह है कि हेल्थ नहीं बन रही है कि हेल्थ क्या पता क्या कारण है अच्छा सर तो जब से आ, जब से आप लाए तब से हेल्थ ही हाँ, नहीं बन पा रही है जब से लाए जब से हेल्थ बन ही नहीं रही है मतलब बहुत कोशिश करने के बाद भी हेल्थ बन जाती है प्रेगनेंट रहती उस समय तक उसके बाद वापस डाउन हो जाती मतलब सर को एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है इन, इनके फार्म पर कि गायों की हेल्थ नहीं बनती सर जो बछड़िया होती है जैसे कि आप तो गायों को लाए हैं हाँ। लाने के बाद हेल्थ खराब हुई या कि पहले से ही ऐसी हेल्थ थी उनकी नहीं प्रेगनेंसी के समय पे हो जाती हेल्थ इनकी प्रेगनेंसी जैसे मतलब डिलीवरी होने के बाद में वापस हेल्थ डाउन होना चालू हो जाता तीन चार महीने के बाद हीट पे नहीं आना कुछ समस्या हो जाती है कुछ दूध ना देना और फीडिंग में कोई ऐसी देते हैं इनको अच्छा उसके बाद उसके बाद भी दिक्कत उसके बाद भी दिक्कत दिक्कत है अच्छा, गुजरात से कब उस समय पे और इतना नॉलेज अच्छा, अच्छा। नहीं था कोई इसका भी जानकारी नहीं थी सेलर वगैरह की चलिए सर हम आगे चलते है सर का फार्म और विजिट करेंगे हम और यहाँ पर जैसे कि गाय की आप हेल्थ तो देख ही रहे हैं जैसे हाँ। सर ने बता दिया कि हेल्थ नहीं बन पा रही इतनी कोशिश करने के बाद भी इतना सारा कुछ मेंटेन किया है यहाँ पर इन्होंने उसके बाद भी हेल्थ नहीं बन रही है तो हेल्थ के लिए वापस नई बाउंड्री बना रहे दिन भर इनको चौबीस घंटे बिना गले में रस्सी ना होना ये विधि वापिस अच्छा आप और कोशिश कर रहे हैं कर रहे हैं देख सकते हो आप

अपनी व्यवस्था कम पैसे में हो जाए अच्छा और व्यवस्था भी अच्छी लगे है ऐसा अच्छा। बाकी तार फेंसिंग वाली जैसे ये बगना रखी है तार हाँ। फेंसिंग वाले कुत्ते आ सकते हैं बाउंड्री मेंटेन भी करना पड़ती है ये परमानेंट रहेगा और कभी बाई चांस रखे या ना रखे अच्छा। अगले बार बिक भी जाएगी कुछ आधा पैसा मिल भी जाएगा एक वो कारण भी है अच्छा अच्छा तो मेंटेनेंस बिना एक बार खर्च करना है

सर यहाँ पर भी आपकी जो गाय है जैसे कि सर आप बोल रहे हो कि गायों की हेल्थ नहीं बन रही है तो हाँ। सर दूध में भी कमी आई होगी फिर तो हाँ दूध में लगभग एक आठ लीटर कम देती पाँच छः पाँच छः लीटर के आसपास एक गाय देती अच्छा अच्छा मतलब मिल्किंग में भी कमी है हाँ मिल्किंग में भी कमी है, हाँ, है। हेल्थ अगर रहेगी हाँ। उसके बावजूद ही दूध दे पाएगी ना गाय अच्छा ऐसा है ठीक है और एक थनेला रोग जो है बड़ा भयंकर रोग है वो तो अच्छा मतलब अगर थनेला रोग अगर डेयरी फार्म में आ चुका है मतलब गाय सब फ्लाप मतलब डेयरी फार्म बंद करने के ताकत पे आ जाता है इतना था नहीं। नहीं। जैसे इस गाय की बारह लीटर की थी आ, सर बहुत अच्छी देखने आ, को हाँ, तो अभी अभी जली हुई अच्छा। तो है इसका अभी। अच्छा। कितनी प्राइस होगी इसकी सर इसकी उस समय हजार में लेके गया तीन साल पहले सत्तर हजार लगा दिए थे सामने वाले ने एक लाख रुपए एक लाख रुपए लगा चुके हैं सितर हजार रूपए में लाए थे अच्छा अच्छा सर ठीक है सर तो सर जैसे कि यहाँ पर हम इनका वाटर मैनेजमेंट भी देखते हैं वाटर मैनेजमेंट भी इनने नाद में ही बना रखा है ना सर हाँ नाद में पार्टीशन कर दिया अच्छा यहाँ पर इनने वाटर के लिए कर दिया है और नल लगा दिया है यहाँ पर तो ये नाद के लिए यहाँ पर इन्होंने कर रखा है जी जी सर और एक सर आप नंदी बताइए आप ये जो नंदी है ये मेरे फार्म का है आपने हाँ। अपना फार्म देखा था इनका नंदी हमारे पास में है और ये रामू है देख सकते हो आपको कई बार बहुत कम देखने को मिला है तो ये हमारे फार, अपने ही फार्म का नंदी है जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर सर के पास में आया हुआ है अभी क्योंकि इनको इसकी जरूरत थी तो यहाँ पर है अभी तो सर कैसा है नंदी एक बार इसके बारे में आप बता रहे नंदी है अच्छा शांत स्वभाव वाला है अच्छा ना मारना ना कोई सिर हिलाना कोई दिक्कत नहीं अभी तक तो अच्छा कितनी गाय क्रॉस हो गई सर इससे दो तीन या चार गाय हो चुकी है चार गाय क्रॉस हो चुकी है बहुत अच्छी नस्ल का नंदी है जैसे कि आप देख रहे हो रामू है और सर की गायें भी यहाँ पर हैं तो सर अभी रोज का कितना दूध हो जाता है अगर मैं एक एवरेज निकालें आपका तो एक दिन का कितना दूध हो जाता है एवरेज में आपका पर डे का हो जाता है चालीस से लीटर पैतालीस से पैतालीस लीटर ठीक है सर तो चालीस से पैतालीस लीटर होने के बाद क्या करते हो सर आप उसको बनाने का प्रो अच्छा डायरेक्ट नहीं करते सर से। डायरेक्ट सेल नहीं करते अच्छा क्या रेट अच्छा घी क्या रेट जाता है इक्कीस सौ रुपये के जी दे रहे अठारह सौ से इक्कीस सौ रूपए के जी पर के जी ये देते हैं सर पैकेजिंग वगैरह कैसे क्या रहती है आपकी पैकेजिंग का अभी चल रहा है अभी अच्छा। पैकेजिंग का करीब दस से पंद्रह अच्छा अभी कर रहे हैं अच्छा अच्छा ठीक है सर तो सर कितने लीटर में इनका घी आ जाता है गिर गायों का चौबीस से पच्चीस लीटर में एक किलो बनता है चौबीस से पच्चीस लीटर में एक हाँ उतना ही एवरेज तो उतना ही बैठता है एवरेज अगर देखा जाए या फिर ता भाकड़ी होने के बाद फिर तो अलग रेस आ जाता है दो चार लीटर कम हो जाता है बाकी तो ऐसा फर्क नहीं पड़ता ठीक है ठीक है तो अभी यहाँ पर सर आपके पास में टोटल के बारे में गायों के बारे में बात करूँ अभी कितनी दूध दे रही है आपके यहाँ पर अभी छह गाय दूध दे रही है छे गाय दूध दे रही है ठीक है और एक दिन का पैतालीस लीटर हाँ, एक दिन का पैतालीस पचास लीटर दूध हो जाता है अच्छा अच्छा सर ठीक है तो अभी यहाँ पीछे भी सर का फार्म है अभी यहाँ पर थोड़ी सी बारिश हो चुकी थी तो इसलिए थोड़ा सा गीला है यहाँ पर और अभी बाहर में है सारे यहाँ पर तो सर सारी गाय आप खरीद के लाए थे गुजरात से टोटली खरीद के ले गए खरीद के लाए हैं आपके यहाँ पर कोई मतलब ऐसा कभी हुआ है कि जो आप गाय लाए उससे कभी बछड़ी हुई हो और वो बछड़ी फिलहाल में अभी आपके यहाँ तो पर प्रेगनेंट नहीं हुई वो अब प्रेगनेंट होने की तैयारी आ गई अच्छा कुछ गाय बच्चियाँ है दो तीन बच्चियाँ तैयार हो गई वो अब प्रेग्नेंट हो जाएगी वो अच्छा शुरू में जब आई थी ना वो वो होने की तैयारी तो एक बार हम सर का अंदर से भी डेयरी फार्म देखेंगे यहाँ पर सर ने ऑटोमेटिक जो वाटर फ्लो सिस्टम रहता है वो करके रखा है और वो आपको पूरी जानकारी के साथ हम बताएंगे अंदर तो अंदर चलेंगे हम अभी तो ये सर दिन में जो गाय रहती है वो यहाँ रहेगी जी रात में रात में यहाँ पे आ जाती है रात में यहाँ पर आ जाती है हाँ। तो अभी आप जैसे कि देख रहे हो हम सर के इस फार्म के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर इनकी गाय रात में रहती है ना सर रात में ये स्लीपिंग मोड अच्छा रहता है और निराव वगैरह भी हल्का फुल्का यहाँ मिलता है बाहर भी मिलता है दोनों जगह व्यवस्था है इनके लिए अच्छा सर कितने बाय कितने का है ये, ये तीस बाई सा हाँ। अच्छा मजबूत पाए वगैरह ले रखा है अच्छा 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 हाँ। हाँ। सर जैसे कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये छोटे छोटे आपने खड्डे हैं ये बनवाए हैं या फिर बने हुए बाद है? में करवाए है अच्छा एक बार आप इनको दिखाइए यहाँ पर इस तरफ भी आप आगे की तरफ देखिए वहाँ पर तो सर इनका क्या कारण हुआ बनाने का आपका ये कारण है कि गाय के पाँव वगैरह फिसल ना जाए क्योंकि चिकना रहेगा ऐसा हाँ, अच्छा तो पाँव फिसल डर रहे खुर्रु वगैरह अटक जाती है इसमें अच्छा अच्छा इसलिए बना तो रखा है तो गिरने का चांस कम आ, ये है। बहुत बढ़िया सर यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो गो गोमूत्र के लिए है ना सर हाँ, ये गोमूत्र के अच्छा तो इनका एक यही टैंक है कि अलग से पूरा स्टोरेज हो के एक पाइपलाइन बीच वाली लाइन है पूरी बाहर चल जाती है अच्छा उस तरफ से बाहर चली जाएगी पूरी बाहर निकल जाती है अच्छा अच्छा और यहाँ पर सर एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है हमें यहाँ पर ये ऑटोमेटिक वाटर फ्लो सिस्टम है हाँ ये ऑटोमेटिक सिस्टम है पूरा इसमें क्या होता लेवल है कि? सिस्टम बना रखा है इससे अच्छा टंकी से मैनेज होता, अच्छा, हाँ। हो होता है अच्छा इससे कम नहीं होगा ना इससे इससे नहीं नहीं ये कम होता है अच्छा इससे कम नहीं होगा ये कचरे के कारण अभी नहीं अगला वाला हाँ, अगला वाला ठीक ठाक हाँ। चल रहा है इधर तो सर ये जैसे कि आपने प्लास्टिक का यूज किया है ना इसमें जी जी तो सर ये कितने में तैयार हो चुका था आपके यहाँ ये तो बहुत कम मेंटेनेंस खर्च था इसका अच्छा टब तो अस्सी नब्बे रुपए का आता है बाकी ड्रेनेज लाइन डल रखी कभी टब तो टूटेगा बाकी कोई दिक्कत एक हाँ, है ना दो गायों के बीच हाँ, भी भी उस उस है। है। तो पर बहुत अच्छा बनाया सर यहाँ पर बीच में स्पेस देख रहा हूँ मैं सर हाँ। ये किस लिए आपने बनवाई अंदर ये निराव करने के लिए किसी को टेबलेट देना है किसी को कुछ अन्य चीज भी देना हो ये आसानी से दे हैं है ये ये सर काफी काफी बढ़िया सिस्टम है ना अच्छा अच्छा सर तो कितने इसके अंदर कितने एवरेज अपने एनिमल आ जाते हैं गाय गाय आ जाती है ग्यारह इस साइड ग्यारह एक साइड बाईस जानवर प्रॉपर आ सकते हैं बाईस प्रॉपर आ सकते हैं ठीक है सर सर कैमरे भी लगा रखे हैं सर ने सी सी टी वी यहाँ पर सी सी टी कैमरे वगैरह सारा कुछ सिस्टम है ना हाँ। और सर यहाँ पर टाइम टेबल बना हुआ है जी तो इसके बारे में आप थोड़ी सी डिटेल बताइए ये चार दिनचर्या है अच्छा इस आधार पर पूरा चलता है पूरा डेयरी मेंटेन अच्छा तो ये ये किस किस को बताने के लिए आपने यहाँ आप पर लगाया मतलब बना दी यहाँ पे कि समय पे ये आराम ये चीज होती है यहाँ पे अच्छा 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 तो किसी कोई दिक्कत करनी नया मजदूर भी आया उसको दो बार बता दो कि आधार पे काम करना है तुझे अच्छा लेबर के लिए भी और अन्य व्यक्ति आए कैसे क्या करते हो आप अच्छा कब दूध निकालते हो तो ये पूरा पढ़ लो आप तो उसमें पूरा समझ जाओगे दिन भर की पूरी दिन चले सब ना आ जाएगा हाँ, बहुत बढ़िया बनाया सर ने और यहाँ पर भी सारा कुछ सिस्टम है ही सर का अच्छा खासा बना हुआ है अच्छा खासा सेट बना रखा है सर ने ऊपर कितनी हाइट होगी सर इसकी ये बीच में ग्यारह फीट की हाइट है अच्छा है बीच हाँ, में ग्यारह फीट की हाइट हाँ, हाँ, है ना ठीक है सर ये भी काफ़ी बढ़िया बना रखा है आपने इसमें भी तो चलिए अब हम फिर से बाहर चलते हैं सर के फार्म से पालन में इतना हेवी जरूरी नहीं अच्छा वो जर्सी और जर्सी एच भैंस में जरूर भी है उनको अच्छा। क्या परमानेंट बंदी हुई रहती है इनको परमानेंट बांधने की जरूरत भी नहीं रहती हाँ। दिन भर छुट्टी रखो चौबीस घंटे रखोगे तो भी दिक्कत नहीं बरसात में एक सेट बना दोगे तो भी जाके खड़ी हो जाएगी अच्छा। जैसे बरसात में यहाँ आएगी तो ये यह सभी यहाँ एक, एक जगह हो जाते हैं अच्छा। तो मतलब लो मेंटेनेंस में गाय ले जाती है बिल्कुल रखोगे तो प्रॉफिट में आओगे नहीं तो कुछ भी नहीं मिल रहा है ऐसा बराबर का मामला रहेगा तो किसान भाई यही था आज की इस वीडियो पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई लाइक करिए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा और किसान भाइयों इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा जो जो कि हम सर से बात करेंगे कि डेयरी फार्म में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सर ने यहाँ पर काफ़ी लॉस भी लिया है डेयरी फार्म में तो हम उनसे वो बात करें इसका अगला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और पास वाली घंटी भी दबाइएगा मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम